मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। अब कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, और जो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत है वहां पर भी जो सर्दी की जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है और जो मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं, कोल्ड वेव कंडीशन आ रही है, कोल्ड डे कंडीशन आ गए हैं। लेकिन 31 तारीख तक हमने देखा, यानी कि साल के आखिरी दिन तक स्नोफॉल देखने को मिला, कई इलाकों में रहा लेकिन हल्का स्नोफॉल था, लेकिन फिर भी काफी दिनों के बाद जो बर्फबारी पहाड़ों पर हुई है और एक बार फिर मौसम शुष्क हो चला है। क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जब यहाँ पर होता है, इस जगह पर अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया और उसके बाद जब ये आगे बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे यहाँ से इस तरह से इधर पहुंच गया तो जो हवाएं हैं वो इस तरह से, यानी कि उत्तरी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, और जब उत्तरी हवाएं आती हैं तो जो बर्फीली हवाएं यहां तक तापमान गिरा देती हैं, यानी कि पूरे मध्य भारत तक तापमान को गिरा देती हैं, वो देखने को मिला। और अभी अगर देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर से निकल रहा है, भारत के ऊपर से निकल रहा है, इसीलिए उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। इस बार पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा नहीं आए, आए तो बहुत है लेकिन जो इंटेंसिटी है उसकी, और यानी कि जो तीव्रता होनी चाहिए, जो उसमें ताकत होनी चाहिए, वो नहीं थी, इसीलिए स्नोफॉल नहीं हुआ, हल्की फुल्की बारिश ही हुई है। और सबसे जो खराब बात यह है, यानी कि नुकसानदेह बात यह है कि हैवी स्नोफॉल जब तक नहीं होता तो नदियों में पानी नहीं आता, ग्लेशियर फिर से दोबारा वो, यानी कि उसमें बर्फबारी जो पिघलती है वो दोबारा से जमती नहीं है। और जो सर्दियों की बारिश है जो उत्तर भारत में होती है, क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई आ रहा होता है तो जब जैसे यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा, इस जगह पर अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर पंजाब हरियाणा या उत्तरी राजस्थान पर बन जाता है, और ये जो हवाएं हैं वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी है उसको लेकर के आ जाती हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज जब हवाएं घूमती है घड़ी की उल्टी दिशा में तो ऊपर उठती हैं, जब ऊपर उठती हैं तो उसके अंदर जो नमी होती है वो बादल बनाती है और बारिश होती है। तो सर्दियों की बारिश जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, और कभी कभी ये जो बारिश है वो उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा एक भी जो यानी कि एपिसोड नहीं देखने को मिला, पूरे इलाके का मौसम शुष्क बना रहा और इसीलिए सूखी सर्दी पड़ रही है। और जो कोहरा है वो भी घना तो हो रहा है लेकिन हर जगह पर इतना घना नहीं है कि पूरे दिन घना कोहरा छा रहा है, कुछ इलाकों में ही है। अगर बारिश हो जाती है, नमी बढ़ जाती है, तो जो कोहरे की परत है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, काफ़ी ऊंचाई तक होती है, तो कोहरा छट नहीं पाता, कई दिनों तक लगातार कोहरा छाया रहता है, जिससे कि कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है, तापमान नहीं उठ पाते, कड़ाके की सर्दी होती है। और जब कड़ाके की सर्दी होती है तो फसलों को फायदा होता है, यानी गेहूं की फसल या रवि की जो फसल है उसमें जो दाने हैं परिपक्व होते हैं, तो उसमें भी जो लेट सर्दी शुरू हुई है कुछ नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। और बारिश की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उत्तर भारत को और पूरे मतलब कि उत्तर से भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, और लेकिन अगले कम से कम एक सप्ताह तक हमें कोई भी बारिश दिखाई नहीं दे रही। हालांकि 8 दिसंबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आएगा यहाँ पर, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इस जगह पर आएगा, यानी कि अभी तो काफ़ी दूर है, ये मैं बना रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं है और भी पीछे है, और ये जब इधर पहुँचेगा ये 8 तारीख तक यहाँ आएगा, और 8 तारीख से लेकर के ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलेगा, उसके बाद फिर आएगा, यानी कि 14 या 15 तारीख तक लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे और पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सारे पहाड़ों पर ये स्नोफॉल देंगे। यानी 9 जनवरी के आसपास हमें हैवी स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है, उसके बाद भी जो बर्फबारी होती रहेगी। अभी तक आपने अगर बर्फबारी मिस कर दी है, क्योंकि अभी तक पड़ी नहीं है, तो कोई अगर आप गए भी होंगे तो आपको कोई भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिला होगा, तो अब आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी दिन है और 4 जनवरी है और आगे अभी 4-5 दिन का समय है, आप अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी स्नोफॉल शुरू होता है तो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और ट्रैफिक जाम होता है, तो उसका आप थोड़ा सा ख्याल रखिए और जाइए, अपना प्लानिंग उसी हिसाब से करिए। तो इस इलाके में जब बर्फबारी होगी तब तक के लिए मौसम पूरे इलाके का शुष्क रहेगा,
और जब स्नोफॉल हो जाएगा और उसके बाद जब स्नोफॉल हट जाएगा 14-15 तारीख के बाद, यानी संक्रांति के बाद में जब उत्तरी हवाएं चलेंगी, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो चुका होगा, जब उस समय बर्फीली हवाएं चलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा सप्ताह है जनवरी का वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और उस समय शीतलहर चल सकती है, घना कोहरा छा सकता है। यानी कि सर्दी देर से शुरू हुई है और देर से ही खत्म होगी। हालांकि क्या होता है कि 15 जनवरी के बाद आमतौर पर जो तापमान है कम होने लगते हैं, जो सूर्य है वो उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और जो दिन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, सर्दी कम हो जाती है। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि संक्रांति के बाद ही जा करके कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, हालांकि अगले 2-3 दिनों के दौरान भी तापमान गिरने वाले हैं। तो ये रहा उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत और पहाड़ों के बारे में। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान जो ये राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो उत्तरी हवाएं हैं वो तापमान को गिराएंगी और जो कड़ाके की सर्दी है वो वहां पर भी हो जाएगी। यानी कि सुबह के तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, दिन साफ रहेगा, दिन में धूप निकलेगी, यहाँ पर कोहरा काफी कम रहता है। उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में कोहरा रहेगा, लेकिन जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ राजस्थान, इस इलाके में कोहरा नहीं होता है और जो दिन में धूप रहती है, यानी कि सुहावनी धूप रहेगी, अच्छा मौसम रहेगा। और लेकिन सुबह की और रात की जो सर्दी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के कई भागों में कोहरा छा सकता है। त्रिपुरा में घना कोहरा छाने की उम्मीद है और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उस इलाके में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा और काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, एंटी साइक्लोन अभी भी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से इस तरह से जब हवाएं घूमती हैं, यानी कि जब हवाएं आप देखिए इधर से आई और ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के यहाँ पर ये नमी को लेकर आ रही है और जब नमी इस जगह पर आएगी, ये पूरे इलाके में यहाँ पर आई और ये जो यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो नमी आ रही है, तो उसके कारण यहाँ पर बादल बन सकते हैं और श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाड़ा, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, तिरुपति, नेल्लोर, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, इन सारे इलाकों में बादल छा सकते हैं और बहुत हल्की बारिश की संभावना इस इलाके में नजर आ रही है। तेलंगाना का मौसम शुष्क रहेगा, अंदरूनी कर्नाटका, रायलसीमा यानी बेंगलोर वगैरह, बेंगलोर, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। और उसी तरह से केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में छुटपुट बारिश यानी बादल के छाएंगे और कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें पड़ सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।